हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक और टेस्टी और हेल्दी हलवा, वो भी पाइनएप्पल के साथ। नॉर्मली हलवा तो हर कोई बनाता है, बट आप एक बार पाइनएप्पल के साथ हलवा ज़रूर बनाकर देखिए। ये टेस्टी तो रहेगा ही, साथ ही ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इसके लिए मैंने लिया एक कटोरी पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का छिलका उतार कर मैंने इसे इस तरीके से छोटे क्यूब में कट कर लिया है, और थोड़े से पाइनएप्पल मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। उसके अलावा एक कटोरी सूजी, सूजी की जगह आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट सूजी एक कटोरी है और पाइनएप्पल भी एक कटोरी है। उसके अलावा शक्कर आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा है, और घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा येल्लो कलर है। अभी सबसे पहले मैंने रखा एक पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ एक कटोरी पाइनएप्पल के पीसेस डालकर। इसी कटोरी से मैंने सूजी भी लिया है, और पानी हम तीन कटोरी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीन कटोरी पानी लिया है। पानी डालने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो कैन वाले पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो उतना हेल्दी नहीं होगा, इसलिए अगर आप फ्रेश यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अभी मैं इसे एक दो मिनट पकने दे रही हूँ। जैसे ये दो मिनट तक पक जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। ये आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा है, आप चाहो तो पूरी एक कटोरी भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने रखा है एक पैन, उधर हमारा पाइनएप्पल पक रहा है, तब तक हम सूजी भूनते हैं। तो अभी मैंने एक स्पून जितना घी डाला है डालकर इसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स को मैं भून रही हूँ, और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐसे ही रखा है जिसको मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो पहले मैंने काजू, बादाम और चिरंजी, इनको डाल के हल्का भून लिया है। भुनने के बाद अभी मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। अभी ड्राई फ्रूट भुन गए हैं, मैं इनको निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल कर अब सेम इसी पैन में हम लोग सूजी को भी भून लेंगे, और सूजी पहले हमें सूखा भुनना है। अभी मैंने घी नहीं डाला है, जो ड्राई फ्रूट को भुनने के बाद जो घी बचा था अराउंड हाफ टी स्पून ही होगा, उसमें मैं सूजी डालकर भून रही हूँ। पहले हम इस तरीके से सूखा भून लेंगे, सूखा भुनने के बाद इसमें घी डालेंगे तो घी कम लगेगा। अगर पहले ही हम घी डाल के सूजी डाल के भुनेंगे तो घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। अब मैंने थोड़ा सा भून लिया, उसके बाद मैंने इसमें एक और टीस्पून घी डाला है, डालकर मैं इसको भून रही हूँ। अगर आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं, बट अगर आपको कम घी में टेस्टी हलवा बनाना है तो इस तरीके से आप एक एक स्पून डालकर सूजी को भून सकते हैं। अभी मैंने एक टीस्पून और घी डाला है, डालकर मैं इसे और थोड़ा सा भूनूंगी। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा घी डाल के तब तक भुनना है जब तक कि सूजी अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता है, इसमें से खुशबू नहीं आ जाती है, और हल्का सा इसका क्वांटिटी बढ़ नहीं जाता है। तो अभी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारे पके हुए पाइनएप्पल पानी के साथ। पाइनएप्पल को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है, 80% तक पकाया है, और बाकी का हम लोग इसी के साथ पका लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा पानी डाला है। हमारा एक कटोरी सूजी था, एक कटोरी पाइनएप्पल और तीन कटोरी पानी। अब इसको हल्का सा मिक्स करके ढक के इसे हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक कि सूजी अच्छे से पकने जाता है, मतलब इसमें जितना भी पानी है वो पूरी तरीके से सूखने जाता है मीडियम हाई फ्लेम पर। अब इसे मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे अराउंड 5 मिनट तक पकाया है। अब हलवा भी अच्छे से पक गया है, ऑलमोस्ट पक गया है, पूरी तरीके से नहीं पका है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से पक गया है, और हल्का खिला खिला भी बना है। अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर। यहाँ पर आप चाहो तो कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं, बट अगर आपको पाइनएप्पल का फ्लेवर ही चाहिए तो आप इलायची स्किप करना, पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब ढक के इसे मैं एक दो मिनट और पका के गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ। ये हलवा आप एज अ ब्रेकफास्ट, एज अ डेजर्ट, आफ्टर मील भी दे सकते हो, बट इसे आप गरम गरम ही सर्व करना, गरम गरम ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद इसको मैं ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ, और ऊपर से थोड़े से चॉप किए हुए पाइनएप्पल भी डाल रही हूँ। अब आप भी ये टेस्टी एंड हेल्दी पाइनएप्पल हलवा ज़रूर बनाइए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।